25 लाख रुपए की ठगी के मामले में ऊना पुलिस ने एक महिला सहित एक युवक को बिहार से दबोचा है, जिनकी पहचान राजू कुमार निवासी नालंदा और आरती निवासी समस्तीपुर के रूप में हुई है। पुलिस शातिरों को ऊना ले आई है। बता दें कि टाहलीवाल के दुकानदार नरेश कुमार से पतंजलि प्रोडक्ट के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी हुई थी। 20 जनवरी को ही पीड़ित ने हरोली थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। तो इन्होंने गूगल पे सर्च किया और एक फोन नंबर मिला, उन पे कांटेक्ट किया और उस आदमी से इन्होंने संपर्क किया और उनको 25 लाख के आसपास पैसा दिया। परंतु ये पतंजलि स्टोर का डीलरशिप इनको मिला नहीं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिला था, तो इस कारण इन्होंने पुलिस के पास आकर शिकायत की और हमारे पुलिस वालों ने इस पे कार्रवाई की और हमें इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पता चला है कि इसमें 2-3 अक्यूज थे। इसमें से 2 अक्यूज को हमने गिरफ्तार किया है बिहार से जाके। हमारी टीम लेड बाय दी इंस्पेक्टर और अदर सब इंस्पेक्टर्स, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है इस चीज़ में और बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से सोहित के साथ चंद्रमोहन चौहान की रिपोर्ट।